अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद मतीन अहमद, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी या माइनॉरिटी लीडर हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज आपको देने के लिए आया हूँ कि हाल ही में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से और हमारे जनाब इम्तियाज इसहाक साहब चेयरमैन साहब की तरफ से 50 करोड़ सब्सिडी लोन माइनॉरिटी के लिए सैंक्शन किए। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ इम्तियाज इसहाक साहब को कि आपने जो चेयरमैन बनने पर जो वादा किया था कि करोड़ों रुपए माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए सैंक्शन करेंगे, उसमें से सिर्फ 50 करोड़ आए हैं। आपको सलाम भी करता हूँ और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। इम्तियाज इसहाक साहब, ये मुस्लिम माइनॉरिटी लोन जो आप सैंक्शन किए या माइनॉरिटी लोन जो सैंक्शन किए हैं, और आप बिलखसूस माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जब आप चेयरमैन बने हैं, तो आप जो है माइनॉरिटीज़ को मदद करने के लिए आए हैं या उनको तकलीफ देने के लिए आए हैं? सबसे पहली बात, अगर आपको 50 करोड़ रुपए 5,000 आदमी को अगर आप 1,00,000 रुपए अगर आपको देने ही थे, तो उनको आप तकलीफें असियतों में क्यों डाले? आप उनको 200-250 रुपये उनके पर एप्लीकेशन खर्चा क्यों कर रहे? या आप उनको हेल्प कर रहे थे या आप उनको फिर तकलीफ में ला रहे थे? सिंपल सा, आपको वाइट राशन कार्ड वालों को डालना था जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है? आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। वो लोग को क्यों जो है ना पिलर टू पोस्ट भगा रहे हैं आप? नी सेवा जाना है, वहाँ अप्लीकेशन भरना है, क्यों करा रहे हैं आप? ये सीधा सा आप गवर्नमेंट के अंडर ही आता है सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, वहाँ पर जाना था, वाइट राशन कार्ड वालों का डेटा निकालिए आप सिविल सप्लाईज ऑफिसर के पास से, उन लोग के पास डेटा होता है, उनके अकाउंट में अकाउंट तो लिंक होते हैं, वैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सिंपल सी बात थी। अगर आपको इतनी भी मालूमात नहीं है कि जो है ना किस तरह से करना है क्या नहीं है, तो आप अपने बॉस से पूछिए केसीआर साहब से कि किस तरह से उन्होंने दलित बंधु स्कीम के तहत किसी को मेहनत कराए बगैर, किसी को तकलीफ दिए बगैर अकाउंट में सीधा 10-10 लाख रुपए डाल दिए, और आप 5,000 आदमी के दरमियान में आप 50 करोड़ रुपए आप सैंक्शन करें, ठीक है? पहली बात तो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास, वो 50 करोड़ आ गए हैं या नहीं आए हैं? या फिर ये वही 50 करोड़ रुपए हैं जिस तरह से मोदी ने कहा था कि हम 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे, इसी तरह से आने वाले हैं क्या? अगर आपको लगता है कि जो है ना आपको इन लोग की इस तरह से मदद करनी चाहिए थी, तो ये आप बहुत ट्रबल दे रहे हैं उसकी माइनॉरिटी। दूसरा पॉइंट मेरा ये है इम्तियाज इसहाक साहब आपसे कि आप जब मुस्लिम माइनॉरिटी की हेल्प के लिए बैठे हैं, तो आप ये सोचिए 1,00,000-2,00,000 में एक माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी नौजवान क्या करेंगे? क्या आपको लगता है 5,000 ही ऐसी रिमेनिंग आदमी क्या करेंगे? रिमेनिंग बेरोजगार लोग क्या करेंगे? 200-250 रुपए मजबूरी के तहत वो लोग भाग कर 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 अरेंज कर रहे हैं। तेलंगाना में बोला जाता है कि 12% मुस्लिम माइनॉरिटी, उस मुस्लिम 12% मुस्लिम माइनॉरिटी को में आप 5,000 को कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या आपको लगता है या केसीआर साहब को लगता है आपके बॉस को कि सिर्फ 5,000 है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या फिर वो सिर्फ 5,000 को ही मुस्लिम माइनॉरिटी समझते हैं? ये आप सोचते हैं या केसीआर सोचते हैं? या 5,000 से हटके गरीब नहीं है, या 5,000 से हटके मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है? ये जो आपका जो इनजस्टिफाइड मैनर है ना आपका जो कैलकुलेशन है, आप उसमें करेक्शन करिए। और हाल ही में जो मुनगोड़ू इलेक्शन हुआ है, जिसमें आप खुद जाकर वहां पर कैंपेनिंग किए थे, उस मुनगोड़ू इलेक्शन में आप कितने मुस्लिम माइनॉरिटी को इस 5,000 में जस्टिफाई करेंगे? और 1,00,000-2,00,000 रुपए सैंक्शन करने से आज के पीरियड में कहां से गुजारा होता है नौजवानों का? वैसे मुस्लिम माइनॉरिटी तेलंगाना स्टेट में बिलखसूस हैदराबाद में नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, माशी हालत से परेशान है, बिलो पॉवर्टी लाइन के बहुत है, आप उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। इस तरह के 200-250 जो आपने खर्चा कराए हैं, ये पहली बार का नहीं है। पिछले वक्त पे जब आप लोन सब्सिडी लोन का स्कीम निकाले थे आप, उस वक्त भी लाखों मुसलमान एप्लीकेशन सबमिट किए थे, उसका क्या इम्तियाज साहब, उसका हिसाब कैसा, उसका जस्टिफिकेशन कैसा देंगे आप? और इम्तियाज साहब, आपके बॉस केसीआर साहब को वाईएस राजशेखर रेड्डी के बारे में वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब से कुछ सीखना चाहिए। वो कितने हमदर्द इन चीफ मिनिस्टर थे, और बिलखसूस माइनॉरिटी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हमदर्द थे, ठीक है? मैं वाईएसआर तेलंगाना पार्टी से वाबस्ता हूँ और अनकरीब वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की तरफ से एक इकदाम
पेश एहतम उठेगा और एक रिप्रेजेंटेशन और एक मेमोरेंडम आपको दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।